जब भी मन दुविधा में होता है, परेशानी में होता है, जब कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, किस ओर बढ़ा जाए, तब मनुष्य परमात्मा से प्रश्न पूछता है, परमात्मा की ओर मुड़ता है कि हे प्रभु, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, कोई मुझे राह बताने वाला नहीं है, और जो लोग राह बताने की बातें करते हैं वो लोग भी मुझे ठग ही लेते हैं। ये संसार स्वार्थ का है, लोग अपने सेल्फ मोटिव के लिए, स्वार्थ के लिए दूसरों को यूज़ करते हैं। तो जब दुखी हो जाता है मनुष्य, परेशान हो जाता है, तो परमात्मा से प्रश्न पूछता है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, मैं अंधकार में हूं, दुखी हूं, तुझसे जुड़ना चाहता हूं, परंतु कोई राह ही नहीं मिलती, कोई मंजिल नहीं मिलती, समझ नहीं आता। तुम ही बता दो, तुम बताओगे तभी मेरा कल्याण होगा। तो ऐसी बातें हमारे भीतर कौंधती हैं। मनुष्य जब परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तब उसकी अंतर आत्मा पुकारती है, चिल्लाती है, किसके सामने जाके दुखड़ा रोएं, जब राह नहीं मिलती तो परमात्मा के चरणों में व्यक्ति समर्पण कर देता है। शरीर का बल लगता है कि काम नहीं आ रहा, न मन न बुद्धि न हमारी इंटेलिजेंस रास्ता बता पा रही है। इस समय जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि कुछ दिखता नहीं, जैसे कोई व्यक्ति सर्दियों में कोहरे में खड़ा हो, आसपास कोहरा होता है तो अपना हाथ भी दिखता नहीं है, इतना घना कोहरा, आप समझ भी नहीं पाते कि कैसे आगे जाएं। एक तो दिखता नहीं, दूसरा टकरा जाने की संभावना भी होती है, तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। ऐसी भ्रमित अवस्था जब भी आपकी जिंदगी में आए, उस समय यदि आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं परमात्मा के चरणों में, तब उस समय जैसे अंधकार में कोई व्यक्ति दिया जला देता है, जैसे कोई बिजली कौंध पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा प्रेरणा शक्ति बनकर हमारे भीतर, हमारे हृदय में आ जाते हैं। परमात्मा बाहर से नहीं आते, हम परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं कि उन्होंने बांसुरी ली हुई है, मोर मुकुट, पीतांबर वस्त्र, ऐसा हम ध्यान करते हैं, परंतु प्रभु ऐसे साक्षात नहीं आते। प्रभु हमारे भीतर प्रेरणा शक्ति बनकर आते हैं। जब भी व्यक्ति दुविधा में या परेशानी में फंस जाता है, तो ऐसी अवस्था जब आ रही है और अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, उस अवस्था में अपने मन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। जैसे ही परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो समझिए उस समय जो हमारा विषाद है, जो हमारा दुख है, वह विषाद विषाद योग बन जाता है। तो परमात्मा उस समय हमें शक्ति देने लगते हैं, भीतर से ही उठती है प्रेरणा। एक लड़की थी जिसका नाम अरुणिमा, बहुत अच्छी एथलीट, स्पोर्ट्स वुमेन, जो देश का नाम रोशन करना चाहती थी, अपनी खेल को आगे बढ़ाने के लिए वह दिल्ली जा रही थी।
ट्रेन में बैठी थी। अब ट्रेन में कुछ लोगों ने उसकी सोने की चेन खींचने की कोशिश की। अब जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं उनके अंदर जुझारूपन होता है, इतनी जल्दी हार नहीं मानते, और हार तो वैसे भी कभी माननी नहीं चाहिए, अंत समय तक जूझना चाहिए। जिसमें ये जुझारूपन होता है उसी को विजय भी मिलती है। और जो लोग जल्दी घबरा के हथियार डाल देते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो कायरता नहीं वीरता होनी चाहिए। तो उस लड़की में भी वीरता थी, डरी नहीं कि पांच लोग आ गए, छह लोग आ गए, चेन खींच रहे हैं, लड़ी। अब लड़ रही है, जब उन लोगों से कुछ नहीं बना, जब उसकी चेन नहीं खींच पाए, तब उन लोगों ने चलती ट्रेन से उसको धक्का दे दिया। अब वो बच्ची गिरी ट्रैक पर। जैसे ही ट्रैक पर गिरी, एकदम से बेहोश। उसे पता नहीं कि क्या हुआ। जैसे ही होश आया कुछ समय के बाद, तो महसूस किया कि पैर में पीड़ा हो रही है। उठने की कोशिश की तो देखती है कि मेरी एक जो टांग है वो तो है ही नहीं, क्योंकि ट्रैक पर गिरी थी, रेलवे ट्रैक पर, तो ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी। अब एक पैर है नहीं, कट गया, और दूसरा पैर जख्मी, उसकी भी हड्डियां टूटी हुई हैं। अब इतना दर्द, इतना पेन हो रहा है, चिल्लाती है आसपास कि कोई आए मदद के लिए, परंतु रात हो गई थी, अंधेरा था। रात्रि में चिल्लाती रही लेकिन किसी ने भी सुनी नहीं आवाज, क्योंकि कोई था ही नहीं। अब गांव से थोड़ी दूर जगह थी वह, तो रात में परेशान थी, दुखी थी, और हैरानी की बात है, बेसुध अवस्था में थी और उसी अवस्था में हिल नहीं पा रही थी, और ऊपर से ट्रेन, अलग अलग ट्रेनें आती गुजरती जाती, तो करीब 69 ट्रेन उसके पैर से गुजरी। बुरे हालत में थी, अंदर अंदर होश, एक कॉन्शियसनेस थी, चेतना थी कि कुछ ऊपर से गुजर रहा है, क्योंकि पैर तो अलग हो गया था और पैर में जान भी नहीं थी, तो पता तो नहीं चल पा रहा था, लेकिन चेतना अंदर बताती थी कि एक ट्रेन गुजरी है, बेसुध अवस्था में। तो सुबह सुबह कुछ लोग आए गांव के, तो उसे अस्पताल ले गए। तो वहाँ बरेली के पास एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर उसको लेकर गए। तो डॉक्टर ने कहा, हमारे हॉस्पिटल में एनेस्थीजिया है ही नहीं, बेहोश करने की दवाई नहीं है, ऑपरेशन कैसे करें बच्ची का। तो वह लड़की बोली कि पूरी रात मैं तड़पती रही हूँ, इतनी ट्रेनें गुजरी हैं, मुझे तो अब कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं। जब इतना दर्द मैं सह गई तो इस ऑपरेशन का दर्द भी सह जाऊंगी। तो भीतर धैर्य आ रहा था कि जिंदा रहना है, जूझना है, मुझे मरना नहीं। उस डॉक्टर ने भी हिम्मत की, उसके लिए ब्लड अरेंज किया, ऑपरेशन किया, जिंदा बची। डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में यदि आप कैलाश मानसरोवर की आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, या अपने क्षेत्र में दीदी के प्रवचन का आयोजन करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657।